नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। हम लोग इकोनॉमिक से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे थे। फाइनेंशियल मार्केट में एक अत्यंत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, कई बार आप इसमें कन्फ्यूज होते हैं, वो है प्रोमिसरी नोट का। आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे प्रोमिसरी नोट क्या है, ये किस तरीके से लिखा जाता है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है और इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो दोस्तों बड़े ही कंसंट्रेशन, बड़े ही ध्यान से इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखिए। भगवान ने जो भी आपको क्षमता दी है पूरे कंसंट्रेशन के साथ आइए, हम लोग चर्चा करते हैं प्रोमिसरी नोट क्या है। इसे प्रो नोट भी कहते हैं और ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है फाइनेंस में। दोस्तों एक्चुअली प्रोमिसरी नोट एक तरह से इनफॉर्मल लोन का एक डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली एक लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बायर किसी सेलर से सामान को परचेज करता है तो उसके पास इमीडिएट कैश नहीं होता है, या फिर उसकी कैश साइकिल होती है कि 2-3 महीने बाद जब मुझे कैश मिलेगा तब मैं आपको पे करूंगा, लेकिन उसको जब सामान की आवश्यकता है और उसके पास कैश नहीं है तो इसके क्रेडिट के आधार पे सेलर इसको सामान दे देता है। बट इस संदर्भ में जो हमारा परचेजर है, जो हमारा बायर है, वो एक प्रोमिसरी नोट इशू करता है सेलर के लिए, ताकि उसके पास एक प्रॉमिस बना रहे कि हम जितने भी रुपए का, जितने भी अमाउंट का आपसे सामान लिए हैं उसे एक स्पेसिफिक डेट पे या जिस डेट को आप मांगेंगे उस पे हम दे सकें। तो बेसिकली प्रोमिसरी नोट एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक तरह से इनफॉर्मर्स जो भी लेन देन हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, लोन हो सकता है, उसकी गारंटी दी जा सकती है प्रोमिस के द्वारा। दोस्तों ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुआ है ये बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत डेवलप हुआ है और इसकी फंक्शनिंग आइए हम समझाते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। मान लीजिए कि ये बायर है और ये सेलर है। बायर जो है सेलर से कुछ सामान परचेज करता है बट उसको पे करने के लिए सेलर के पास इमीडिएट कैश नहीं है, या ये कहता है कि हमारे पास 2-3 महीने बाद कैश आएगा उसको मैं पे करूंगा, तो सेलर बेसिकली इसके क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए सामान दे देता है। बट इसके बदले में बायर एक प्रोमिसरी नोट इश्यूज करता है। यहां पे ध्यान दीजिए, जो प्रोमिसरी नोट है, प्रो नोट है, वो इश्यू करता है बायर और ये इश्यू करता है सेलर को। तो इस प्रोमिसरी नोट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है कि कितना अमाउंट मुझे पे करना है, वो अमाउंट आपके डिमांड पे दिया जाएगा या एक स्पेसिफिक टाइम पे दिया जाएगा, या फिर आपको दिया जाएगा या फिर इस प्रोमिसरी नोट के बेरर को दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो बायर है ये प्रोमिसरी नोट के माध्यम से सिर्फ सेलर को पेमेंट करे। ये प्रोमिसरी नोट अगर सेलर किसी थर्ड पार्टी को दे तो भी जो है बायर उसको पेमेंट कर देगा। तो ये इस तरह से एक प्रोमिसरी नोट है, एक बेसिकली प्रोमिस है बायर का कि मैं आपके स्पेसिफिक अमाउंट को स्पेसिफिक टाइम पे या आपके द्वारा डिमांड किए जाने पे मैं उसको पे कर दूंगा। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि इस तरीके से जो इनफॉर्मल लेन देन है वो रिलेटिव्स के बीच होता है, फ्रेंड्स के बीच होता है। कई बार हम फ्रेंड्स से पैसे को लेते हैं और देते हैं, कई बार उसको हम लोग नोट नहीं करते हैं, कोई इसके प्रति लीगल जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होता है, तो कई बार पैसा समय पे न मिलने की वजह से रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से इनफॉर्मल नोट्स, इस तरीके से इनफॉर्मल लोन को एक तरीके से आप समझिए एक लीगल फाइनेंशियल जो है प्रणाली में ढालने का काम प्रोमिसरी नोट करता है। ये प्रोमिसरी नोट एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को दे सकता है, एक फ्रेंड भी दूसरे फ्रेंड्स को दे सकता है, ताकि जो है जो भी लोन लिया गया है उस पे एक जो है लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन हो सके। तो दोस्तों ये जो मैंने बायर और सेलर के माध्यम से ये आपको प्रणाली बताई है, मैकेनिज्म बताई है, ये दोस्तों में भी हो सकता है। मान लीजिए ये दोस्त है ए और ये दोस्त है बी। अगर ए बी दोस्त से 10,000 रुपए लेता है तो इसके बदले में एक प्रोमिसरी नोट इश्यू कर सकता है और प्रोमिसरी नोट में क्लियर होगा कि ये 10,000 रुपीज आपको मैं पे करूंगा, आपके मांगे जाने पे करूंगा या फिर जो ड्यू डेट उसमें दिया गया है उस पे करूंगा। तो प्रोमिसरी नोट कोई जरूरी नहीं है कि बायर और सेलर के बीच ही हो, ये इस तरीके से रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बीच भी हो सकता है और ये इसे एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोमिसरी नोट है ये हमारे
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। इसका जो डिफिनेशन दिया गया है उसको मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉमिसरी नोट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन रिटेन कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। जो एक प्रॉमिसरी नोट है वो बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो रिटेन फॉर्म में होगा और साथ साथ इसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी। इसका मतलब जो बियरर्स है उसके मांगे जाने पे आप कोई कंडीशंस नहीं लगाएंगे, अनकंडीशनली उसमें पे करेंगे। साथ ही लिखा है साइन बाय मेकर्स टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। जो इसे इशू कर रहा है उसका साइन होगा और साफ साफ स्पष्ट होगा कि जो मेकर है वो सर्टेन मनी को वापस करेगा। ओनली टू आर टू द ऑर्डर ए सर्टेन पर्सन आर द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। या तो उसी को देगा जिससे लिया हुआ है, या फिर ये जिसको नॉमिनी बना दे थर्ड पार्टी को उसको देगा, या फिर जो इस प्रोविजरी नोट का बियरर है उसको देगा। तो कुल मिला जुला के जो ये प्रोविजरी नोट है दोस्तों, ये एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक लीगल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिसे 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जिसका वर्णन किया गया है। इसमें साफ साफ देखिए स्पष्ट किया गया है कि एक रिटन फॉर्म में होगा, अनकंडीशनल होगा, जितनी सम अमाउंट आप लिखते हैं उतना आपको पे करना पड़ेगा, यह उस व्यक्ति को देना पड़ेगा जिससे आप लिए हैं, या फिर उस प्रॉमिसरी नोट का जो भी बियरर है उसको आपको देना पड़ेगा, उसके मांगे जाने पे देना पड़ेगा या स्पेसिफाइड टाइम पे देना पड़ेगा। इस तरह से यह 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। अगर यह बायर जो है और ये सेलर है, चूंकि सेलर ने बायर को गुड्स दिया है, इसका मतलब सेलर क्रेडिटर हुआ और जो बायर है वो डेटर हुआ। बायर ने ऋण लिया है, सेलर ने एक तरीके से क्रेडिट किया है, लेकिन यहां पे बायर जो है प्रोमिजरी नेट को इश्यू करता है, इसलिए बायर यहां पे ड्रॉ हो गया और सेलर जो है ड्राई हो गया, क्योंकि इस दिए गए प्रोमिजरी नेट को धारण करने वाला ड्राई है। अगर पिछले क्लास में जो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात किया था उसमें आप ध्यान से समझिएगा तो दोनों उल्टा हो जाता है। सेलर वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज को इश्यू करता है और वो ड्राउ होता है, बायर वहां पे ड्राउ ही होता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट में चूंकि बायर ही प्रोमिसरी नोट को इश्यू करता है, इसलिए जो बायर है वो ड्रावर हो जाता है और सेलर जो है ड्राउ हो जाता है। चूंकि बायर इस पैसे को पेमेंट करेगा इसलिए इसको पेयर भी बोल सकते हैं, और चूंकि सेलर इस पैसे का पेमेंट लेगा इसलिए इसे पे भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला जुला के एक तरह का मैकेनिज्म है जिसमें प्रॉमिसरी नोट के माध्यम से लेन देन होगा। दोस्तों इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें तीन तरह की पार्टी समझ में आती है। एक तो पार्टी ये हो गई कि जो बायर है वो, दूसरी पार्टी हो गई सेलर, और तीसरी पार्टी भी एक आ जाएगी जो इंडोर्सी होगी। इंडोर्सी का मतलब यह हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि बायर ने जो प्रॉमिसरी नोट इशूट किया है सेलर को वो सेलर ही इनसे ले। सेलर प्रॉमिसरी नोट को किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। अगर थर्ड पार्टी को ये इंडोर्समेंट कर देता है तो ये इंडोर्सी बोला जाएगा और एक्चुअली अब थर्ड पार्टी जो है इससे जो है बायर से पैसे को लेगी। आप समझिए, क्योंकि सेलर ने अपने प्रॉमिसरी नोट को किसी तीसरे पार्टी को, नॉमिनी को दे दिया, जैसे हमारे रिलेशन में भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने पैसा किसी को दिया है और पैसा देने वाला जो प्रॉमिसरी नोट इशू किया है वो मैंने किसी दूसरे को नॉमिनी बना दिया है, मैं किसी तीसरे फ्रेंड को देना चाहता हूं, अपने वाइफ को देना चाहता हूं, किसी को देना चाहता हूं, तो कुल मिला जुला के जो नॉमिनी है, थर्ड पार्टी है, वो अब जाके उससे पैसे को लेगी। इसी तरीके से देखिए, सेलर ने एंडोर्समेंट कर दिया थर्ड पार्टी को, इसका मतलब ये थर्ड पार्टी जो कि बियरर है प्रॉमिसरी नोट का वो बायर से पैसा लेगा। इसीलिए दोस्तों प्रॉमिसरी नोट को हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, और इसीलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के सेक्शन 4 में इसको डिफाइन भी किया गया है, क्योंकि ये नेगोशिएट हो जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। इसका मतलब एक तीसरी पार्टी भी आ गई, इंडोर्सी आ गई, सेलर जिसको इंडोर्स करेगा वो भी पेमेंट को ले सकता है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों प्रॉमिसरी नोट में तीन पार्टी आ गई, पहला बायर को जिसको हम डेटर बोल रहे हैं, या फिर उसको ड्रावर बोल रहे हैं, चाहे और उसको पेयर बोल रहे हैं, ओके ना। पहला क्या हो गया, ड्रावर हो गया, पेयर हो गया, डेटर हो गया, मेकर हो गया, या फिर इश्यूअर हो गया। बायर चूंकि डेट लिया हुआ है और ये प्रॉमिसरी नोट को इश्यू करता है तो ड्रावर हो गया, क्योंकि ये पे करेगा पेयर हो गया, क्योंकि ये प्रॉमिसरी नोट को बनाया है इसलिए इसको मेकर भी आप बोल सकते हैं, और मेकर के साथ साथ इसे इश्यूअर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसने जो प्रॉमिसरी नोट को इश्यू किया है। इसका उल्टा जो सेलर होगा उसे हम ड्रॉवी बोलेंगे,
पे ही बोलेंगे क्योंकि उसको पैसे को पाना है, लेंडर बोल सकते हैं, प्रोमिसी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये दो पार्टी हो गई, एक तीसरी पार्टी हो गई थर्ड पार्टी हु रिसीव मनी ओके ना अपॉन इंडोर्समेंट बाय ड्रावी। जो ये ड्रावी किसी तीसरे पार्टी को अगर इंडोर्स किया हुआ है तो ये इस पैसे को लेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें तीन पार्टी होती है प्रोमिसरी नोट में। अगर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, देखिए प्रोमिसरी नोट ऐसा भी हो सकता है कि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो। अगर प्रोमिसरी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसने एक्चुअली पे किया है अगर मुझे उसी के नाम से उसको पेमेंट करना है तो ये नॉन निगोशिएबल भी हो सकता है। तो जब ये नॉन निगोशिएबल होगा तो इसमें सिर्फ दो ही पार्टी होंगी, ड्रावी और ड्रावर वाली। अगर इसमें इंडोर्समेंट आता है और इंडोर्सी को देना है तो इसमें तीन पार्टियां होगी। दोस्तों इसकी टाइप्स अगर आप देखेंगे तो बेसिकली दो तरह के प्रोमिसरी नोट्स के टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं ऑन डिमांड और दूसरे को बोलते हैं यूसेंस। ऑन डिमांड का मतलब है कि जब ड्रावी जब भी हमको पैसे को मांगेगा मुझे देना है, इसका मैं अनकंडीशनल प्रॉमिस कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड। लेकिन एक यूसेंस भी हो सकता है। यूसेंस का मतलब एक फ्यूचर डेट स्पेसिफाइड किया गया है, दो महीने का, तीन महीने का, और दो तीन महीने बाद जब वो मुझसे मांगेगा तब मैं उसको पेमेंट बोलूंगा, इसको बोलते हैं यूसेंस, जिसे फ्यूचर डेट पे मुझे पे करना होता है। इसके अतिरिक्त भी हम बोल सकते हैं प्रोमिसरी नोट को पेएबल इन इंस्टॉलमेंट आर लमसम। देखिए कई बार ये होता है प्रोमिसरी नोट में कि जो हम पेमेंट लेते हैं उसे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वापस करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरी मनी लमसम पे वापस कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी इसका वर्गीकरण हो सकता है कि पेएबल ऑन इंस्टॉलमेंट आर लमसम। इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट बेयरिंग और इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है। अगर मान लीजिए समयावधि जो स्पेसिफाइड है यहां पे यूसेंस में, अगर वो एक महीने है, दो महीने है, और प्रोमिसरी नोट पे किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है तो इसको इंटरेस्ट फ्री बोलेंगे। लेकिन अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो जाए और अगर जो है लेंडर जो है आपसे इंटरेस्ट ले ले तो इंटरेस्ट बेयरिंग भी हो सकता है। इस आधार पे हम प्रोमिसरी नोट को इंटरेस्ट फ्री में बांट सकते हैं और इंटरेस्ट बेयरिंग में बांट सकते हैं। एक नॉन निगोशिएबल और निगोशिएबल भी हो सकता है। नॉन निगोशिएबल का मतलब है कि जो ये सेलर है उसी के नाम से ही प्रोमिसरी नोट इश्यू किया गया और इसी सेलर को हम पेमेंट करेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन निगोशिएबल। बट अगर सेलर का नाम नहीं उसमें स्पेसिफाइड है और सेलर किसी तीसरे पार्टी या चौथे पार्टी को इंडोर्स कर देता है तो यहां पे जो है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसके कई टाइप्स की बात कर रहे हैं। ये भी एग्जाम में के दृष्टि इंपॉर्टेंट होता है और ये फैक्ट भी आपके सामने आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि स्पष्ट है 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। पहली चीज की प्रोमिसरी नोट इन रिटन फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी ये ओरल नहीं हो सकता है, मौखिक नहीं हो सकता है, एक इसका रिटन डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो पहला चीज ये रिटन फॉर्म में होता है। दूसरा होता है अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। इसमें प्रॉमिस टू पे जो मैं पैसा वापस करूंगा इसमें मैं कोई कंडीशंस नहीं लगाऊंगा कि मेरे पास जब पैसा आएगा तब मैं पे करूंगा, मेरे वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, शादी पड़ जाएगी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इस तरह का किसी तरह का कंडीशंस आप प्रॉमिसरी नोट में नहीं लगा सकते हैं। उसमें साफ साफ होता है अनकंडीशनल होता है। फिर होता है ड्रावर सर्टेन पर्सन। इसमें जो ड्रावर होता है एक सर्टेन पर्सन होता है, कोई कंपनी नहीं है, तो उसका स्पष्ट रूप से स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ड्रावर कौन है। साथ ही साथ सम पेएबल, कितना पैसे को पेमेंट करना है, इस पे भी उसका उल्लेख होगा। ड्रावी एक सर्टेन पर्सन होगा, जो यहां पे जो धारक है वो भी एक स्पेसिफाइड पर्सन होगा, उसका भी स्पेसिफाइड यहां पे जिक्र होना चाहिए कि कौन सा ड्रावी है। डेट ऑफ इशू के बारे में बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि किस डेट को इशू किया गया। इसकी मैच्योरिटी डेट अगर यूसेंस है तो तीन महीने की, दो महीने की, छह महीने की है, इसकी मैच्योरिटी डेट इसमें होना चाहिए। स्टाम्प इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है इसमें साफ साफ कहा गया कि प्रोमिसरी नोट हो या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, इसमें स्टाम्प बहुत जरूरी है। इसमें जो आप रेवेन्यू स्टाम्प भी लगा सकते हैं या फिर स्टाम्प शुल्क भी दे सकते हैं। तो यहां पे स्टाम्प करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्टाम्प के इसका कोई लीगल जो है इसका स्टेटस नहीं होता है। सिग्नेचर ऑफ ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहां पे पैसा ले रहा है आपसे, बायर है, उसका सिग्नेचर यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इसके सिग्नेचर का इसका कोई लीगल जो है प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। यहां पे जो एक्सेप्टेंस या ड्रावी है उसका सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होता है। देखिए ये सिग्नेचर करेगा लेकिन जिसके नाम से ये दे रहा है ना उसका सिग्नेचर कहीं रिक्वायर्ड नहीं होता है प्रॉमिसरी नोट में। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में था कि एक्सेप्टेंस आवश्यकता होती थी, इसमें देखिए सेलर की एक्सेप्टेंस या उसके सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है। साथ है अगर वो इंटरेस्ट बेयरिंग है तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है इसका भी स्पष्ट रूप से स्पेसिफाइड वहां पे जिक्र होना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट बेयरिंग है। तो दोस्तों प्रॉमिसरी नोट जैसा कि मैंने बताया कि एक इनफॉर्मल जो लेन देन होता है, जो इनफॉर्मल लोन्स है
उसका बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है, एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन एक लीगल प्रोसीजर है, ये जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने मित्रों को ले रहे हैं, दे रहे हैं, तब भी हो सकता है, या फिर बायर और सेलर्स के बीच में प्रॉमिसरी नोट के माध्यम से लेन देन होता है, और एक तरीके से ये जो ड्रॉअर है उसका प्रॉमिस है कि मैं आपको स्पेसिफाइड टाइम पर स्पेसिफाइड मनी को आपको या आपके नॉमिनी को मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में काफी यूज होता है, आप इसमें जो है पढ़ते हैं तो कई बार आपको जो है समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया कि आप प्रॉमिसरी नोट को समझते। इसके बाद मैं एक वीडियो और बना रहा हूं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसको समझने के बाद फिर हम अपने टॉपिक पे चले आएंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, सेंसेक्स रिलेटेड इशू। पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से सुने रहिए, हम अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयास करिए, हम लोग मिलकर करेंगे बड़ा, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका, गॉड ब्लेस यू।